Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main Fatima aapke apne Noshahi kitchen mein karti hoon welcome. To bade hi dino ke baad hum aapse mil rahe hain. Actually main Pakistan chali gayi thi, meri walida bimar thi. To unki iyadat ke liye gayi thi. Alhamdulillah to theek hai. To hum phir se apna silsila shuru karenge. अपनी रेसिपीज़ का तो आज मेरे किचन में बन रही है बड़ी ही मज़ेदार हरी मूंग और अंडा। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मेरे पास ये साबुत हरी मूंग है, ये वाली। इसको मैंने घंटा भर पहले भिगो के रख दिया है। इसके साथ मेरे पास अंडे, इनको हम बॉईल करेंगे। एक डली मेरे पास प्याज है, ऑयल हस्बैंड जरूर यूज़ करेंगे। और ये जो आपको नज़र आ रही है पेस्ट, ये तीन टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक एक डली और लहसुन, ये लेके मैंने एक पेस्ट बना ली है थोड़ा सा पानी डाल के। मसालों में मेरे पास है ये एक सिनेमन स्टिक, दो काली इलायची, थोड़ी सी लौंग, इसी तरह तीन से चार हरी इलायची। मसालों में है दो चम्मच सूखा धनिया पाउडर, एक टीस्पून मेरे पास जायफल का पाउडर है, एक टेबलस्पून जो है वो मेरे पास काली मिर्ची है, डेढ़ चम्मच जो है वो लाल मिर्ची का पाउडर है, एक चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर है, एक चम्मच ज़ीरा है और पाँच से छः ब्राउन चिली है। बस ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। और नमक हम हसब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हम जो अपना ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमने इसका अपना ऑयल डाला प्याज। बस इनको हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो बदल जाए। तो प्याज जो है वो मेरे हल्के से ब्राउन हो गए। अब हम इसमें जीरा और दूसरे खड़े मसाले डालेंगे। इसमें मैंने इनके साथ खड़े मसाले डालेंगे, इसमें जीरा और दूसरी चीज़ें जो मैं आपको दिखाई, बस इनको भी हल्का सा भूनेंगे और फिर इसमें जो है वो अपनी टमाटर की, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। डालने के बाद हम इसमें अपनी पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को मैंने दो मिनट भून लिया है। अब इसमें मैं अपने दूसरे स्पाइसेस डालूंगी सारे, इसको भूनेंगे अच्छे से। बड़े ही कम मसालों के साथ बड़े ही मज़ेदार डिश तैयार होगी इंशाल्लाह। अभी हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि मसालों में से कच्चा पन खत्म हो जाए। फिर हम इसमें अपनी साबुत मूंग डालेंगे और इसको भी इसमें 10 मिनट के लिए भूनेंगे। अंडे मैंने बॉयल होने के लिए रख लिए अपने। मसाला मेरा अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें एक चम्मच जो है वो गर्म मसाला पाउडर डालूंगी। इसी तरह से मिलाएंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपनी साबुत मूंग डालेंगे और फिर इसको भूनेंगे। ये मैंने अपनी साबुत मूंग इसमें डाली। अब हम इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट और दाल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालेंगे। मैं इसमें तीन जग पानी के डालूंगी क्योंकि मेरे पास जो दाल की क्वांटिटी है वो 1 किलो। तो अगर मुझे जरूरत हुई तो फिर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ दाल हमारी अच्छे से भुन गई। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको गलने तक अच्छे से पकाऊंगी और फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक। दाल जो है पानी डालने के बाद देखिए इस तरह से हो गई। अभी ये मज़ीद पकेगी और अगर पानी की इसमें और ज़रूरत हुई तो मैं और डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ दाल जो है मेरी वो गल रही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी है। तो इसको और पकाने से पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप किसी भी चीज़ से लेके इसको थोड़ा थोड़ा हम इसको मैश करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। घुली घुली सी ये दाल बने तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी ही मज़ेदार बनती है ये। बस बहुत ज़्यादा नहीं कि इसका दाना टूटे भी नहीं और ये मिक्स भी हो जाए हल्के हल्के हाथ से। इतना ही मैं इसको कम करूँगी। अब मैं इसको जो है वो 10-15 मिनट दम की आंच में पकाऊंगी और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मेरी अंडा दाल जो है वो बन चुकी है और मैंने डिश आउट भी कर ली। तो खाइए, इंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।